गोल लगातनी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। नेताजी पहले मंत्री रही लेकिन अब जिलाध्यक्ष बन गई। जी हाँ, बात हो रहा बा संतोष निराला जी के। जदयू के कैबिनेट मंत्री से जिलाध्यक्ष बनल संतोष निराला के अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कल गई। बैठक बक्सर के श्याम वाटिका मैरिज हॉल में जदयू से कैबिनेट मंत्री रह चुकल संतोष निराला जी के जदयू के जिलाध्यक्ष बनावल गैला के बाद पार्टी कार्यकर्ता के साथ पहला बैठक रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ता कई गो महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कैले। साथे साथ पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष संतोष निराला के हार्दिक बधाई और शुभकामना। मौका पे मौजूद तमाम लोग युवा जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष पटेल ज्योति प्रकाश, जदयू के नेता भरत मिश्रा, जदयू के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार ज्ञानेंद्र चौधरी, जदयू के पूर्व प्रत्याशी अंजू मारा, पूर्व जिलाध्यक्ष विंध्याचल कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, जदयू के प्रवक्ता सोनू कुमार के साथ साथ अन्य लोग मौजूद रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मीटिंग में पत्रकार लोग रहे। पत्रकार लोग इतना सवाल कैलस कि सवाल में ये लोग गड़बड़ा के रह गई। जी हाँ, चाहे वो अंजू मारा होकस चाहे और कोनो सदस्य होकस, पत्रकार खूब लेलन गजरा के भावे लेलन। लेवे से मतलब ये बटुए कि सवाल में उलझा के रखलन। सवाल इतना दगलें कि अगर अंजू मारा के जगह पर कोनो और प्रत्याशी रही तो सवाल में उलझ के रह गई रही। हालांकि यह दौरान ये लोग कहल, पत्रकार लोग पूछल कि राउर पार्टी के तो खते ना खुलल कई गो जिला में, एह पो भी सवाल जवाब सुनब, खबर अंत तक देखब। पूरा जदयू के आप प्रवक्ता जौन बाड़ी अंजू मारा साथे साथ पत्रकार बंधु लोग बक्सर के इतना सवाल दगले बड़े रूरा सब देखब तो खुद लागी कि राजनीति के विश्लेषण एकदम सटीक आ बढ़िया तरीका से पत्रकार बंधु के लोग के द्वारा कैल गई बटुए। एह में इहो पर चर्चा भइल कि आखिर स्थिति काहे नाजुक रहे आ मुख्य बिंदु एजा ई रहे कि कैसे पार्टी के बक्सर जिला में मजबूत कैल जाओ, कौन तरीका अपनावल जाओ। जदयू के हार के सबसे प्रमुख कारण रहे कि प्रखंड स्तर तक एकर मजबूत कड़ी ना रहे, मजबूत कार्यकर्ता के संगठन ना रहे। एह पर भी विचार एह कार्यक्रम में कैल गई। सुनी बयान बारी बारी से शेयर करी खूब। उस पर मेरे पार्टी के ऊपर के लोग हैं, सारा चीज़ देखने वाले हैं। हम अधिकृत नहीं हैं उसका बयान देने के लिए, इसलिए मैं इधर उधर का बयान देने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहा हूँ। जो अधिकृत बयान होगा उस बयान को मैं अपने बयान दे सकता हूँ। ठीक है, में दोनों कांग्रेस के विधायक राजपुर विश्वनाथ राम और सदर विधायक से घंटों मुलाकात की और उसके बाद संजीव श्याम ने कहा है कि सभी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे में मुन्ना तिवारी का बयान अहम है। देखिए, सवाल यहाँ MLC और MLA के कैटेगरी का है। अगर इस जिला में आए हैं, इस जिला से MLA हैं, वो भी इस जिला से MLA लोग हैं, MLC वो भी हैं, तो उन लोगों का अपना कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के हिसाब से विकास की कोई रणनीति तय करते होंगे। इसमें किसी दूसरे तरह के दिस दैट का कोई प्रश्न नहीं है, वो अपना विकास का मामला तय करते। बयान दोनों तरफ से आया है, बयान उसमें अभी कहीं अधिकृत नहीं है, अधिकृत बयान किसी का नहीं है। सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात रख रहे हैं और संजीव श्याम सिंह जी का बयान हम समझते हैं कि वैसा कुछ नहीं होगा, कि मुन्ना तिवारी जी अपने चाहते हैं कि किसी तरह से हम बात उलझा करके अपने को मार्केट में बनाए रखें, मीडिया के सामने अपने को प्रस्तुत करते रहें और उस बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आप लोगों की लुटिया डूबने वाली है। 22 विधायक का उन्होंने दावा किया है कि 22 विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं। दीपावली का पटाखा आप लोगों ने जरूर छोड़ा है लेकिन होली का जश्न मनाएंगे और इसमें बहुत देर नहीं है। दरअसल RJD और कांग्रेस के पास बोलने के सिवाय और कुछ है नहीं, न वहाँ कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न विधायक का अंक गणित है। जहाँ अंक गणित है वहाँ सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जी NDA के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इन लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं। अब बक्सर के सदर विधायक हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका काम धंधा तो दूसरा है, आप जान रहे हैं। तो न क्या काम धंधा है, अपने को धंधा क्या है, धंधा क्या है, सब लोग जान रहे हैं, उस पर हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अपने को चर्चा में रखने के लिए उन्होंने ऐसा सबूफा छोड़ते रहते हैं ताकि हमारी चर्चा हो न, कहीं आप कंफर्म हो लीजिए कि न 5 साल ये NDA की सरकार किसी से डिगने वाली है, न इसमें की इधर फुटमत है। NDA एकजुट है, एकजुट होकर के 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें किसी तरह की कोई, मेरे पास वीडियो है।
कि सबसे पहले तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज की जो बैठक था वो एक औपचारिक बैठक था और हमारे जिला के बक्सर जिला के 9 मनोनीत अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई संतोष निराला जी बने थे, उनके अभिनंदन के लिए और उनके स्वागत के लिए, उनको बधाई देने के लिए एक औपचारिक ये बैठक थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग एजेंडा वाइज कोई बैठक नहीं थी कि किसी एजेंडे में विमर्श करें कि क्या निर्णय हुआ या क्या कारण रहा इन सारी चीज़ों का, तो एक जस्ट गेट टुगेदर हम लोगों का। समीक्षा तो हुआ होगा ना? नहीं, ऐसा मैंने कहा ना कि कोई एजेंडा नहीं था हमारे बैठक का, जस्ट हम लोगों ने एक गेट टुगेदर हम लोग का था अपने अध्यक्ष को बधाई देने के लिए। अच्छा अंजू जी, मैडम समीक्षा बैठक हुआ था उसमें क्या कुछ बातें निकल के आई थी? देखिए समीक्षा बैठक कमियां थी वो सभी को पता है कि वो उन सारी चीज़ों को हम लोग फोकस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है कि आखिर वो क्या कमियां थी जिसके वजह से हमारे नेता। देखिए एक चीज़ तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगी कि इस बार का जो चुनाव था, इस बार का NDA चुनाव जो लड़ा वो पुनः नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया और बिहार की आवाम ने, बिहार की जनता ने, 12 करोड़ 13 करोड़ जो जनता है उस जनता ने पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत की सरकार इस बिहार में NDA की बनी। दूसरी बात कि हमारी नेता की लोकप्रियता और विश्वसनीयता जो है वो बिल्कुल बिहार की जनता ने उसको इंश्योर और कंफर्म किया अपना पूर्ण बहुमत देकर। अब रही कि पार्टी वाइज जो है सीटों की संख्या निश्चित रूप से हमारी कम हुई है तो उसी की समीक्षा बैठक हो रही है। आज भी हमारी समीक्षा बैठक हमारे मुख्यालय से लोग आए हुए, समीक्षा बैठक चल रही है। वो जब पूरे समीक्षा जो हमारा कंक्लूड होगा तब जाकर के निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे थे, क्योंकि चुनाव में जो सीटें कम आती है नो डाउट कि कोई एक फैक्टर होता नहीं है, सो मेनी फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हमारी 8 जिलों में मैडम खाता नहीं खुला पार्टी का। नहीं निश्चित रूप से मैं कह रही हूँ इतना एग्जॉस्टिव बैठक आखिर समीक्षा किस विषय पे हो रहा है? आप जो हमें आकृष्ट कर रहे हैं कि 8 जिलों में खाता नहीं खुला, निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक चुनौती है और हमारे लिए एक चिंता का विषय है जिसके लिए हम एक विस्तृत समीक्षा बैठक लगातार और हर लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, जिला के लेवल पे, हम अपने प्रखंड के स्तर पे भी, विधानसभा के स्तर पे भी, हर स्तर पे हम कर रहे हैं। और जब ये समीक्षा बैठक समीक्षा हमारी खत्म होगी तो एक कंक्लूजन पे हम जाएंगे, तो एक निर्णय फिर ले पाएंगे और तब बोलने की स्थिति में होंगे कि वो कौन से रीजन थे। लेकिन इससे एक अलग सवाल है, उसके बाद दोनों तरफ से बयान जारी हुआ है, जो कांग्रेस तरफ से बयान आया है कि जदयू के 20 विधायक उनके संपर्क में हैं और दीपावली का पटाखा आप लोगों ने जरूर छोड़ा है लेकिन होली का गुलाल महागठबंधन उड़ाएगी। देखिए इन लोग तो बयान बहादुर लोग हैं, अगर बयान बहादुर लोग नहीं हो तो बिहार की जनता ऐसे सिरे से खारिज करती रहती, और जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या रह गई है देश की राजनीति में और राज्य की राजनीति में, किसी से छुपा नहीं है कि किसी से किसके गोद में ये बैठ करके अब ये अपनी राजनीतिक नैया जो है ना किसी तरह से चलाने की कोशिश करे और वो भी डूब गई है, इनकी पूरी की पूरी जो कश्ती है ना वो डूब चुकी है और सिर्फ ये बयान नहीं है। और बिहार की जनता ने तो अपना मैंडेट दे करके, अपना जो उनका होता है निर्णय दे करके वो साबित कर दिया कि इनकी हैसियत क्या है देश की राजनीति में कांग्रेस की और बिहार की। जदयू टूटने की स्थिति में, काहे का टूटने की स्थिति में, क्या बात कर रहे हैं जदयू टूटने की स्थिति में? जदयू में आप देख रहे हैं, आप ही लोग न्यूज़ कवर कर रहे हैं ना, आप ही लोग न्यूज़ कवर कर, मीम कौन संगठन है, 5 विधायक तो 2 विधायक तो ये विधायक सभी लोग, वो नीतीश कुमार जी का जो उनकी सिद्धांत है न्याय के साथ सबका विकास, जो उनका लोकतांत्रिक तरीका है काम करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन जिस प्रावधानों के तहत वो काम करते हैं उनमें वो ये सारे लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं और उनसे मिलने आ रहे हैं। और आपने देखा कि विगत दिनों में कुछ दलों के माननीय विधायक आकर के हमारी पार्टी की सदस्यता लिए, तो और हमारे यहाँ जुड़ रहा है कि टूटने का प्रश्न कहाँ से होता है। लेकिन ये बयान वैसे में आया है जब संजीव श्याम आकर के बंद कमरे में घंटों मुलाकात किए हैं कांग्रेस के दोनों विधायक से, संजीव श्याम ने कहा है कि सभी के लिए सबकी दरवाजा खुला रहती है, उन्होंने भी ये बात कही है कि कांग्रेस के भी लोग आ सकते हैं। एक चीज जान लीजिए कि अभी लोग करेंगे क्या, आवाम के बीच में जाने की तो इनकी हैसियत है नहीं, बंद कमरे में ये बैठ करके चर्चा करे, परिचर्चा करे और जिस तरह का वो बयान देना है वो बयान देते रहे, इसका फर्क NDA के ऊपर जरा भी नहीं पड़ने वाला। और फिर इस तरह का बयान दे करके वो अपनी कमियों को फॉर टाइमिंग वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके साथ जो हो रहा है ना, इनके जो विधायक भागने नहीं मतलब विलय की कोशिश कर रहे हैं, टूटने की जो कगार पे है जिसका इनको कहीं ना कहीं आभास हो गया है और वो खबरें आपके माध्यम से न चले उसको कवर करने के लिए इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं। बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन और सब कुछ अच्छा है और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा NDA और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में।